करियर मेकिंग जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए माय इंडिया माय डेवलपमेंट चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशय शुक्ला और माय इंडिया माय डेवलपमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं राउंड ग्रेडर मशीन के बारे में जानने के लिए। दोस्तों ये जो मशीन है ये ग्रेन क्लीनिंग के काम आती है और इसके बारे में हमें जो डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे वो है पूजा मैम। तो पूजा मैम आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैम सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये मशीन काम कैसे करती है, क्या काम करती है। हेलो सर, मैं पूजा पाटिल पूनम इंजीनियरिंग वर्क से। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये मशीन किस लिए यूज़ होती है। इसका यूज है सभी प्रकार के अनाज में से मिट्टी टुकड़ी और लकड़ी साफ़ करना। इसमें से आप गेहूँ दाल सभी प्रकार के दाल जैसे कि तूर दाल हो गई, उड़द दाल हो गई, मूंग दाल हो गई, अरहर की दाल, सभी प्रकार के दाल आप इसमें से क्लीन कर सकते हो। चना भी आप इसमें से क्लीन कर सकते हो। ये क्लीनिंग के लिए यूज़ होती है। ओके तो मैम ये जो क्लीनिंग है तो ये जो बिज़नेस है तो ये किन के लिए ये बिज़नेस है? जैसे सिर्फ किसान लोग इस बिज़नेस को कर सकते हैं या फिर एज अ बिज़नेस के तौर पे देखा जाए तो इस बिज़नेस मतलब इस मशीन को ख़रीदा जा सकता है? जी सर, ये किसान और बिज़नेस दोनों के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर बिज़नेस करना है आपको तो आप ये यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कई बार अपने पास रॉ मटेरियल आता है तो उसको क्लीन करके उसको प्रोसेसिंग करने के लिए जाना पड़ता है। तो क्लीनिंग के लिए क्या आपको पहले राउंड ग्रेडर ही लगेगा, तो आप ये बाय करके आप बिज़नेस कर सकते हो। इसको मिनिमम एरिया आपको 1000 स्क्वायर फुट लगेगा। और रही बात किसानों की, तो किसानों के लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि किसानों का जो फसल आता है उसमें तो कचरा मैक्सिमम रहता ही है, तो क्लीन करने के लिए राउंड ग्रेडर बेस्ट रहेंगे किसानों के लिए। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि इसमें मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट तक के एरिया की आवश्यकता होगी, तो इसमें जो कनेक्शन है जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है तो वो सिंगल फेज चलेगा या उसमें 3 फेज कनेक्शन की आवश्यकता होगी? नहीं सर, ये दोनों फेज पे चलती है, ये सिंगल फेज पे भी चलती है और ये 3 फेज पे भी चलती है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट सिंगल फेज पे जो बड़ी मशीन है वो भी चल सकती है? तो इस मशीन में मतलब दो टाइप आते हैं आपने कहा, तो वो दो टाइप कैसे हैं? जैसे इसमें दो टाइप आते हैं, एक 3 टन पर आवर आता है जिसकी HP रहती है 2 HP, एक 5 टन पर आवर आता है जिसकी HP रहती है 3 HP। ओके जी, तो इसमें जो प्रोडक्शन है वो कितना होता है? जैसा मतलब मिनी छोटी वाली मशीन में कितना प्रोडक्शन होता है और बड़ी मशीन में क्या प्रोडक्शन होता है पर आर के हिसाब से? पर आर के हिसाब से जाएंगे तो छोटी मशीन जो है 2 HP की उसमें आपको 3 टन पर आवर निकाल सकते हैं, और बड़ी मशीन जो है 3 HP की जिसमें आप 5 टन पर आवर निकाल सकते हैं। ओके तो मैम आप हमें इसके प्रोसीजर के बारे में बताएंगे कि ये प्रोसेस कैसे होता है इसका? जी तो सर आप देख रहे हो ये हमारा बकेट एलिवेटर का इनपुट है, यहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल स्टोर रहता है, ये जो है हमारा पूरा रॉ मटेरियल का ही कंटेनर है। इसके बाद हमारा जो रॉ मटेरियल है वो बकेट एलिवेटर में आएगा, यहाँ से लिफ्ट होके होते हुए जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ से लिफ्टिंग हो रहा है, तो ये ऐसे जाएगा। पाइप के द्वारा हमारे मेन जो राउंड ग्रेडर है उस कंटेनर में जाएगा, फिर वहाँ पे हमने ये पाइप है हमारा, ये पाइप से होते हुए वो राउंड ग्रेडर में जाएगा। उससे पहले वहाँ पे एक सक्शन ब्लोअर लगाया हुआ है, जो भी जैसे कि हमारे रॉ मटेरियल में डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं ना, वो सक करके साइक्लोन द्वारा बाहर जाने के लिए यूज़ होता है। तो अभी वो जो होता है उसके बाद हमारी यहाँ पे 2 जाली लगी हुई है जिसमें से मिट्टी और टुकड़ी बाहर आएंगी। तो आप देख सकते हो यहाँ से मिट्टी बाहर आती है, यहाँ से मिट्टी डस्ट रहता है वो बाहर आता है। सेकंड है टुकड़ी, इसमें से आप टुकड़ी बाहर निकाल सकते हो। फोर्थ वन है लकड़ी, इसमें से आप लकड़ी अगर वो स्टॉक ऊपर आप नीचे करोगे तो इसमें से लकड़ी नीचे आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो लकड़ी दिखाई हुई है जी, ये सभी इसमें स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमारे वाइब्रेशन के प्रोसीजर चालू होती है, उसके बाद हमारी जो भी लकड़ी रहती है वो आप सेंटर में देख सकते हो वहाँ पे स्टोर हो जाएंगी।
वो हम एडजस्टर गेज नीचे करेंगे तो वो लकड़ी सारी यहाँ से बाहर आ जाएगी। यहाँ पे हमने एक स्पीड एडजस्टर गेज लगाया हुआ है, इसके हेल्प से हम अपनी इस राउंड ग्राइंडर की स्पीड में कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर हमारे अनाज में दाल रखी है तो यहाँ पे एक जाली लगी हुई है, इसमें से दाल यहाँ पे स्टोर होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें दाल स्टोर हो जाती है। वो दाल निकलने के बाद हमारा जो फाइनल क्लीन आउटपुट है वो यहाँ से बाहर आ जाता है। तो दोस्तों देखा आपने कि ये मशीन लाइव में कैसे काम कर सकती है। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये पूरी मशीन का प्रोसेस बताया इतने अच्छे से। तो मैम इसके कुछ और एडवांटेजेस है? जी, इसके एडवांटेजेस है। इसका जो पहले तो मेन एडवांटेजेस है, इसको पावर कंजम्पशन बहुत कम लगता है। और इसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत कम है, मतलब इसको कोई भी वर्क कर सकता है, इसको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है वर्क करने के लिए, कोई भी इसको ऑपरेट कर सकता है। इसका पावर हम एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। ओके, तो मैम आपने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मशीन के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने ये मशीन किस तरह से काम करती है। दोस्तों यहाँ पर ये जो मशीन है ये पूनम इंजीनियरिंग वर्क्स इनके द्वारा बनाई गई है, और इनका जो कंपनी का डिटेल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों वहाँ जा कर के आप पूनम इंजीनियरिंग वर्क्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और इस मशीन के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।